हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने मेंसुरेशन के टाइप 14 की ओर। टाइप 14 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और इस टाइप को ना सबसे अच्छे से समझिएगा, सबसे बेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है, याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया धातु के एक अर्ध गोला है मेरे पास, आधा गोला मतलब सेमी स्फीयर है, ठीक है। अर्ध गोले को पिघला कर हम किसी और शेप में चेंज करते हैं, किसमें शंकु के रूप में डाला जाता है। शंकु मतलब कोण के रूप में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, जिसके आधार की त्रिज्या वही है जो कि अर्धगोले के, मतलब दोनों की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर दी गई है, ठीक है। आगे बोला गया है कि शंकु की ऊंचाई एच है, कोण की हाइट हमें गिविन है वो है कैपिटल एच। तो हमसे पूछा रिलेशन क्या होगा, तो चेंज किया जा रहा है तो हम वॉल्यूम की बात करेंगे। तो यहाँ पे अर्धगोले के वॉल्यूम की बात की जाए तो 2/3 पाई आर क्यू, कितना आर क्यू हो जाएगा कैपिटल आर, ठीक है। स्मॉल आर नहीं लेंगे क्योंकि हमें कैपिटल आर गिवन दिया हुआ है। रेशियो मान लीजिए, क्योंकि नहीं रेशियो नहीं बराबर दिया है ना, तो बराबर इसका वॉल्यूम कितना होता है भाई, कोण के वॉल्यूम की बात की जाए तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच, ठीक है। आर स्क्वायर से ये क्यू कट जाएगा, मतलब यहाँ पे एक आर बचेगा, पाई से पाई उड़ा देंगे, तीन से तीन उड़ा देंगे तो बचेगा कितना 2r = h। तो मतलब ये हमारा रिलेशन बचेगा, 2r = h, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है, h = 2r बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलते हैं फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, सेकंड वा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक शंकुआकार बर्तन है मेरे पास, बर्तन है शंकु के आकार का, मतलब कोण के आकार का एक बर्तन है जिसके अंदर की त्रिज्या दे रखी है 12, हाइट हमें गिवन दी गई है 50, ठीक है। आगे देखिएगा, किसी तरल पदार्थ से भरा हुआ ये जो है फिल है किसी भी लिक्विड से, आगे दिया हुआ क्वेश्चन ने इस तरल पदार्थ को एक बेलनाकार बर्तन में, मतलब इसे हम चेंज कर रहे हैं किसमें, इसके वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं, मतलब दूसरे सिलेंडर टाइप में बेलनाकार टाइप की आकृति के अंदर फिल कर रहे हैं हम, ठीक है। यह हमने इसमें डाल दिया। आगे क्या दिया हुआ वो देखिए, जिसके अंदर का अर्धव्यास 10 सेंटीमीटर, ये हमें 10 दे रखी है त्रिज्या, तो हमसे पूछा है कि उसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी हाइट हमसे पूछी है, इसी में कैपिटल एच माने, तो कैपिटल एच आप लोगों को फाइंड करनी है। तो दोनों का वॉल्यूम आप लोगों को पता होना चाहिए, सिंपली हो जाएगा। कोण के वॉल्यूम की बात की जाए 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है भाई 12 × 12, एच कितना है भाई 50 है, और ये बराबर दिया हुआ है किसके, सिलेंडर के वॉल्यूम की, तो पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 10 × 10 × कैपिटल एच, एच हमें फाइंड आउट करनी है, पाई से पाई हटा देंगे, 3 × 12, ठीक है, एंड 0 से 0, 5 × 10, 2 से 2 × 4, 12 × 24, तो 24 बराबर हो जाएगा क्या एच, तो हमारी हाइट निकल के आ गई 24, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नोट कीजिएगा फटाफट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है एक अर्ध गोले और एक शंकु के आधार बराबर है, मतलब एक अर्ध गोला है मेरे पास सेमी स्फीयर है, और क्या है एक शंकु कोण, ठीक है, कोण के बेस बराबर है, बेस उल्टा बना लो घुमा के चाहे कैसे भी बना लो कोई दिक्कत नहीं, आधार बराबर है, एंड उसके बाद देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। यदि उनकी ऊंचाई भी बराबर है, दोनों की हाइट भी कांस्टेंट है, तो उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, उनके सीएसए की बात की जा रही है, किसकी सीएसए, इन दोनों के रेशियो पूछा गया है। तो सबसे पहले इसके सीएसए की बात की जाए तो 2πr², अगर कोण के सीएसए की बात की जाए तो πrl। अब लेकिन यहां पर एल क्या है मेरे पास, एल है ये। अब देखो यहां पर एक चीज आप लोग नोट कीजिएगा कि अगर रेडियस आर है तो इसकी भी त्रिज्या आर होगी, लेकिन इसकी यहां पे हाइट भी आर है, तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि दोनों की ऊंचाई भी बराबर है, तो मतलब ये आर है तो इसका मतलब ये भी मेरे पास आर होगी, लेकिन जो एल होती है एल, ये तो एल का मान अगर मैं निकालूंगा तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू निकाल सकता हूं कि रूट के अंदर क्या हो जाएगा r² + r², तो रूट के अंदर आ जाएगा 2r², तो बाहर आ जाएगा r और उसके बाद √2, ये हो गया। तो l की जगह पे हम लिखेंगे क्या r√2, तो r × r मतलब r² से r² जाएगा, पाई से पाई जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 2√2, समझ गए।
तो 2√2 ऑप्शन में नहीं है, तो ये काम करते हैं, √2 √2 को गुणा कर दीजिए दोनों साइड में, फिर पता करते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे देखेंगे √2 √2 2 बन जाएगा, इससे 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, √2 ratio 1। √2 ratio 1 हमारा ऑप्शन में होना चाहिए या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है, फटाफट से नोट कीजिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पहले पढ़िएगा। क्वेश्चन बोले 10 × 5 × 2 सेंटीमीटर की माप वाली लकड़ी, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, 10 × 5 × 2, ये हो गया वॉल्यूम, मतलब 5 × 10 100 हो गया, ठीक है। 100 में से आगे क्या बोल रहा है, एक घनावा का टुकड़े में से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई, आधार त्रिज्या 1 सेंटीमीटर वाला शंकु काटा जाता है, इसमें से शंकु हटा दिया जाता है या बनाया जाता है, तो बाकी का हमसे पूछा है कि इस प्रक्रिया में नष्ट हुआ बेकार की लकड़ी कितने प्रतिशत निकल गई, ठीक है। टोटल इतना है, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं किसके कौन की वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा, सीधे हम माइनस कर देते हैं, क्या है मेरे पास, कौन काट रहे हैं ना, तो कौन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम की बात की जाए तो 1/3 pi की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, मतलब 1 × 1। एच हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है देख लीजिएगा, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई कितना है, 7 है, तो 7 से 7 उड़ा देंगे, और यहां पर बचा कितना, 100 माइनस कर देंगे 22/3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 में से 22 गए तो बचे कितने, 380 में से 280 में से 2 और घटा दो तो 278/3 डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं कितना पार्ट बचता है, तो 3 से 3 नाम 27, 3 × 2 = 6, 2/3 इतना पार्ट बचा, लेकिन हमसे पूछा प्रतिशत में कितने में से बच रहा है, 100 में से, परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 कटेगा, बचे कितना 92 सही 2/3%, यह हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, 92 सही 2/3 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, 5th वाला क्वेश्चन बोल रहा है, एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन, एक लंब वृत्तीय बेलन की बात की जा रही है, यहां पे बेलन बना लेते हैं, डायग्राम बनाने से क्या होता है समझ में आ जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। उसका लंब वृत्तीय बेलन और शंकु के आयतन बराबर है, एक मेरे पास कोण है, दोनों के हमें क्या दे रखे हैं, वॉल्यूम बराबर दे रखे हैं, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोले, जिसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई हमें 108 दे रखी है, ये कितनी दे रखी है भाई, 108 दे रखी है, और आधार का व्यास हमें दे रखा है 30, तो मतलब रेडियस कितनी होगी, 15 हो गई, ठीक है। यदि बेलन की ऊंचाई 9 है, यदि बेलन की ऊंचाई हमें 9 दे रखी है, तो हमसे पूछा है उसके आधार का व्यास कितना होगा, इसका व्यास हमसे पूछा, तो हम त्रिज्या निकाल लेते हैं पहले, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, त्रिज्या का डबल कर देंगे, व्यास तो निकल आएगी, ठीक है। दोनों के वॉल्यूम बराबर है, दोनों के वॉल्यूम अगर आप लोगों को पता है तो सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो, तो पाई आर स्क्वायर एच, हाइट कितनी है मेरी 9 है, और ये बराबर दिया हुआ है कोण के वॉल्यूम के, कोण का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 pi r² मतलब 15 × 15 × हाइट कितनी है 108, कैलकुलेट कर लेते हैं, बाकी कुछ नहीं है इसमें, तो देखेंगे 3 से 3 × 5 = 15, पाई से पाई हटा दो, 9 से 9 = 9, 9 × 2 = 18, 12 × 5 = 60, 15 × 6 = 90, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 900, आर स्क्वायर बराबर 900 है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 30 का 900 होता है, रेडियस तो हो गई 30, लेकिन हमें जो पूछा गया वो व्यास पूछा गया, तो 2 × r की वैल्यू कितनी है 30 है, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 60 हमारा राइट आंसर होगा, याद रखना। क्वेश्चन लास्ट में ठीक से पढ़िएगा, क्वेश्चन ने बोला आधार का व्यास क्या होगा, पूरा कंप्लीट पूछा, व्यास तो कितना हो जाएगा 60, 30 पे टिक मत कर देना नहीं तो गलत हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6ठा क्वेश्चन क्या बोल रहा देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ने बोला है, एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर, एक गोले की बात की जा रही है, अर्धगोला तो नहीं, नहीं ठोस गोले को पिघलाकर 21 सेंटीमीटर इसकी क्या है त्रिज्या, शंकु के आकार में ढल दिया जाता है, मतलब एक कोण के आकार में इसे चेंज किया जाता है, ठीक है। आगे क्या बोला देखिएगा, जिसके आधार का व्यास हमें दे रखा है, व्यास दे रखा है 21, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21/2, ठीक है। आगे देखिए, शंकु की ऊंचाई क्या होगी, हमसे ऊंचाई पूछे, कैपिटल एच मान लेते हैं, ठीक है। अब
स्फीयर मतलब गोले की बात की जाए, गोले के वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r³। r कितना है मेरा 21 × 21 × 21, और ये बराबर दिया हुआ है किसके, कोन के वॉल्यूम के, तो 1/3 पाई r² मतलब 21/2 × 21/2 × h। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। देखते हैं 21 से 21 कट जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 3 से 3 हटा देंगे, पाई से पाई हटा देंगे, बचा कितना मेरे पास h, और 2 × 2 = 4। अब यहाँ पे 4 बचा हुआ है, इस 4 का क्या करें, 1 = 21 भी बचा हुआ है। ठीक है, 4 को इधर भेज दो जी। ठीक है, 4 × 16 = 21 बराबर है h के, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो 16 × 1 = 6, 1 × 16 = 32 और 1 = 33, तो 336 हमारा हाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी ऊंचाई, 336। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, एक ठोस बेलन जिसका आधार का व्यास, एक ठोस बेलन है मेरे पास, सिलेंडर है, और उसके आधार का व्यास हमें दे रखा है कितना, व्यास गिवन है 16, तो मतलब इसकी त्रिज्या हो जाएगी 8। ठीक है, व्यास 16, त्रिज्या 8, और उसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर दे रखी है। थोड़ा सा डायग्राम ऐसा होना चाहिए पतला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पिघलाकर 12 सेंटीमीटर गोले बनाए, नहीं 12 गोले बनाए जा रहे हैं, मतलब छोटे 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 कितने गोले हैं भाई, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल मिला के 12 गोलों में इसे चेंज किया जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक गोले का व्यास क्या होगा, सबसे पहले प्रत्येक गोले की त्रिज्या निकाल लो जी, हमें निकालनी है आर, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। ठीक है, तो अब सिलेंडर के वॉल्यूम की बात की जाए तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एच कितना हो जाएगा 2, बराबर दिया हुआ है गोले के आयतन के, लेकिन गोले हैं कितने मेरे पास, 12 गोले बना रहे, और वॉल्यूम क्या होता है एक गोले का, 4/3 पाई r³, रेडियस का क्यू, रेडियस तो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आर की वैल्यू निकालनी है, तो देखते हैं क्या होता है, पाई से पाई उड़ा देंगे। ठीक है, 4 × 8, ठीक है, 2 × 2 = 4, 3 = 12, 3 से 3 कट जाएगा, तो r³ बराबर हमारा बचेगा 8, तो r³ बराबर जब 8 है तो r का मान कितना हो जाएगा 2, रेडियस जब 2 है, हमसे क्वेश्चन ने पूछा गया है व्यास की लंबाई, तो 2r का मान पूछा है, तो 2r कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, ये हमारा राइट आंसर होगा 4। ठीक है, 4 हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। याद रखना लास्ट वाली लाइन जरूर पढ़ना, व्यास पूछा है कि त्रिज्या, कहीं गलती ना कर बैठो आप। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, एक घन के आयतन का उस गोले, मतलब एक गोला है और घन पूर्णतः फिट हो जाता है, मतलब घन के आयतन का, देखो एक घन है मेरे पास क्यू, और इस क्यू के अंदर एक स्फीयर पूरी तरह से फिट किया जाता है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि आयतन फिट किया जा सकता है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, तो यहां से इसकी त्रिज्या पता होनी चाहिए, इसकी एक साइड, तो साइड अगर ए है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। इसका वॉल्यूम कितना होता है भाई, घन का aq होता है, सबको पता है, और अगर मैं स्फीयर के वॉल्यूम की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r³, रेडियस कितनी मेरी, aq/8 हो जाएगी, क्योंकि a/2 का क्यू करेंगे तो aq/8 हो जाएगी। ठीक है, aq से aq कट जाएगा, 4 × 8 कट जाएगा, 3 × 6 को इधर लेके आएंगे तो 6 रेशियो कितना हो जाएगा, पाई बचा हुआ अभी, तो 6 रेशियो पाई हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नोट कीजिएगा, इसमें भी कुछ नहीं है, सिंपल है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें सारी कहानी फॉर्मूला की, अगर आपको फॉर्मूला याद है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 9 क्या बोल रहा है, समान अर्धव्यास वाले एक लंब वृत्तीय बेलन एक तथा गोले के आयतन बराबर है, एक बेलन है मेरे पास और एक गोला है, इन दोनों के वॉल्यूम हमें बराबर दिए गए, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो गोलन के व्यास, मतलब ये हमें निकालना है बेलन का व्यास, ठीक है, गोले का व्यास, सॉरी गोले, अगर ये मैं आर मान लूं तो हमें 2r की वैल्यू चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 2r रेशियो और बेलन की ऊंचाई, मतलब इसकी ऊंचाई हाइट, इनका हमें रेशियो चाहिए, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर कर देते, फिर देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैं सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करूं तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा,
ठीक है, और ये बराबर है इसके वॉल्यूम के, और इसका वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³। ठीक है, आर स्क्वायर से ये कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब यहां पे देखेंगे रेडियस बच रही है और क्या बच रहा है, एच। तो 3h बराबर हो जाएगा 4r। तो यहां से आपकी त्रिज्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 3 और h हो जाएगी 4। तो हमारी रेडियस रेशियो h बराबर कितना हो जाएगा, रेडियस हो गई मेरी 3 रेशियो 4। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है ये व्यास, तो व्यास में चेंज करेंगे इसे, व्यास रेशियो h पूछा है, तो 3 × 2 इसका डबल हो जाएगा, रेशियो 4 तो 2 से काटेंगे, 2 × 2 = 4, तो मतलब जो आंसर होगा 3:2 हमारा राइट आंसर होगा। कितना होगा, 3:2 राइट आंसर होगा, 3:2 ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, डायमीटर मतलब 2r। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 ने हमसे बोला एक आयताकार कागज का साइज 100 × 44 है। एक आयताकार रेक्टेंगल सीट है, ये 100 है, ये 44 है। ठीक है, आगे देखिएगा, कागज को इसकी लंबाई के अनुदूस मोड़ा जाता है, इस तरह से मोड़ दिया जाता है, मोड़ने के बाद बेलन बनाया जाता है। ठीक है, बेलन बनाएंगे हम इसे, देखो इस टाइप से। तो एक बात बताओ, जो ऊंचाई होगी बेलन की, हाइट होगी, वो तो 44 हो जाएगी, और जो 100 होगा वो क्या होगा, 2πr। तो 2π की वैल्यू 22/7, r बराबर कितना हो जाएगा, 100। त्रिज्या निकाल सकते हैं, 2 से कितनी बार, 50 बार, 2 से 11, 2 से 25, तो 25 × 7, 25 × 7 = 175, 175/11 इसकी त्रिज्या निकल के आ गई। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर मतलब 175 × 11 × एच, हाइट कितनी है मेरी, 44। ये हमें कैलकुलेट करना ही होगा, राजी राजी गैर राजी, तभी तो आंसर आएगा। ठीक है, 11 × 2 = 22, 11 × 4 = 44, 7 से काटेंगे, 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35, 25 × 4 = 100, 100 × 2 = 200, 200 × 175 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 0 0, 2 × 2 = 10, 2 × 7 = 14 और 1 = 15, 2 × 1 = 2 और 1 = 3, 35,000 हमारा राइट आंसर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 35,000। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा फटाफट। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, और इसमें जितने भी शेप आए हैं, ठीक है, कोन, स्फीयर और सिलेंडर, ये तीनों के फॉर्मूले आप लोगों को अच्छे से याद हों, तभी आप इस टाइप को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।